में किसान धान की फसल के साथ पहुंचने लगे हैं, लेकिन मंडियों में धान खुले आसमान के नीचे ही पड़ा हुआ है और खरीद शुरू ना होने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने 23 सितंबर से धान की खरीद की घोषणा की थी, लेकिन खरीद की तारीख बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दी गई, जिसे लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद किसान रोष जताते हुए कैथल मार्केट कमेटी कार्यालय में ताला लगाने पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि इस बीच किसान पुलिस वालों के साथ बहसबाजी करते भी नजर आए। प्रदर्शन इसलिए है कि पहले किसान सूखा की मार झेल चुका है, फिर ज्यादा बारिश के कारण जीरी में तिल्ला आया है। अब जो 23 तारीख की केंद्र की सरकार ने खरीद शुरू करने का ऐलान किया था, तो उसकी डेट बढ़ाकर 1 तारीख कर दिया है। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, तो किसान तंग है, अत्याचार हो रहा है। जो भी किसान 5 दिन हो गए मंडी में पड़े हैं, 2320 रुपये रेट है, जो 1700-1800 जीरी देता है उसकी तो बिक जाती है। जो 23 में अड़ रहा है किसान, 5 दिनों के बैठे, उसने कोई नहीं पूछता, चाहे वो 10 दिनों के बैठे हो, तो कोई भी उसको गाह को नहीं देवे। गाह का जो मैं एसपी के सूखी जीरी पड़ी है बिल्कुल, अभी तो त्रिपाल टक हुई है, जो नीचा जीरी पड़ी है शटर का वह भी नहीं बिक्री। तो मैं कहने का मतलब दोहरी लूट है, ऊपर तो राम की नीचे प्रशासन की, प्रशासन की नीति में भी खोटा है और सरकार की नीति में भी खोटा है। तो आज किसानों ने फैसला लिया है, अभी 11 बजे पूरे मार्केट कमेटी के करा लिया, ताला लगाया जाएगा। जी देखिए, जो किसान की फसल है वो बिल्कुल पककर तैयार है और कई कई दिनों से मंडियों में पड़ी है। पहले ही सरकार ने आश्वासन दिया कि हम 23 तारीख से खरीद शुरू करेंगे, लेकिन अब उसकी भी डेट बढ़ा दी गई है, तो अब किसानों में रोष है। तो आज हम 11 बजे जो है मार्केट कमेटी के जो है दफ्तर के ताला लगाएंगे, और अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो हम रोड जाम हो या और भी कोई बड़ी काल हो, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं मंडी सचिव बसव ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सरकार ने 1 अक्टूबर को खरीद के आदेश दिए हैं और 1 अक्टूबर से खरीद की जाएगी। सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से डेट अनाउंस की गई है धान खरीद के लिए, तो 1 तारीख से धान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, खरीद प्रक्रिया। जैसे 23 से काफ़ी कई दिन पहले ये बता दिया गया था कि भाई 1 तारीख से होगी, और मैंने भी मंडी में आड़तियों के माध्यम से मैसेज सर्कुलेट करवा दिया था, अनाउंसमेंट भी करवा दी थी, भाई अपने जितने भी किसान भाई हैं उनको सूचित करें कि 1 तारीख से ही अपनी धान लेके आए। गौरतलब है कि किसान अपनी फसलों की खरीद के लिए अनाज मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीद ना होने और मौसम में बदलाव के चलते किसानों को धान खराब होने का डर सता रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।